हारे हारे हारे, हम तो फिर से हारे। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे घर में सब ठीक है, ऐसी कोई परेशानी नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों दूर दराज से ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। सुनना है हमारे पड़ोसी मुल्क का हर बच्चा आजकल यही गाने गा रहा है। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि ये 92 वर्ल्ड कप का रिपीट होगा। इंग्लैंड को ऐसे पटकनी दी थी उस दिन, आज भी ऐसे ही पटकनी देंगे। 92 2022, टीम ऐसे पिछड़ के वापस आई है और मेहनत से पहुंची है, डेडिकेशन से पहुंची है, और हम सेम रिजल्ट लेकर आएंगे। ऐसे ही पहुंचा था दनदनाता वह पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल में। लेकिन मेरी जान, ये 92 नहीं 2022 है, 2022। 30 साल हो गए हैं सर। स्टॉप लिविंग इन द पास्ट, स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। इंग्लैंड का ऐसा कोई मन नहीं था कि इस मैच को किसी भी तरह से पाकिस्तान के हाथ में जाने दे, और उन्होंने पहली गेंद से ही पाकिस्तान के ऊपर पूरा बैलेंस बना के रखा, पूरा प्रेशर बना के रखा। और वर्ल्ड कप फाइनल जैसे स्टेज पे, जहां पे आप पहली इनिंग का स्कोर, एक स्कोरबोर्ड प्रेशर जो होता है उसे मानते हैं, वो बिल्कुल ही बनने नहीं दिया। पाकिस्तान पहली बैटिंग करते हुए सिर्फ 137 पे लिपट गया। उनके सारे बड़े बड़े हिटर बैठे के बैठे रह गए, और 137 के टारगेट के साथ उतरी पाकिस्तान। उन्होंने ये सोचा कि हम बॉलिंग में ऐसा जलवा दिखाएंगे कि इंग्लैंड को इस रन को बनाने में नानी याद आ जाएगी। शुरुआती झटके उन्होंने इंग्लैंड को जरूर दिए, लेकिन भैया हमारा बेन स्टोक्स, वर्ल्ड कप का हीरो, दूसरे वर्ल्ड कप फाइनल में ही बेन स्टोक्स ने अपना करिश्मा जारी रखा है। और जिस तरह उन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप को जीतकर इंग्लैंड के नाम किया था, उसी तरह 2022 के वर्ल्ड कप को जीतकर भी इंग्लैंड के नाम कर दिया। इसीलिए कहते हैं बड़ा खिलाड़ी वो जो बड़े मौके पर चले, और बेन स्टोक्स ने ये पूरा साबित किया है। बेन स्टोक्स की इस शानदार पारी के बाद हमें इससे एक सीख और भी मिलती है। मैं ये कहूंगा कि 2016 में हमें याद है जब बेन स्टोक्स ने कोलकाता में फाइनल खेला था वेस्टइंडीज के अगेंस्ट, और लास्ट ओवर में 4 छक्के खाए थे और इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप हार गया था। उसके बाद कोई भी खिलाड़ी चाहे कितना ही मजबूत हो, अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन बेन स्टोक्स ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम किया, और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स में वो मैन ऑफ द मैच बन के आगे आए हैं और अपनी टीम को 1 नहीं 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। इंग्लैंड इसी के साथ वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट के दोनों मेजर टाइटल्स, चाहे कि वो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का हो या वर्ल्ड T20 हो, अब दोनों के चैंपियन इंग्लैंड हैं। तो सारी दुनिया को, ऑल क्रिकेट प्लेइंग नेशंस को इंग्लैंड से एक सीख लेनी चाहिए कि किस तरह क्रिकेट इवॉल्व हुआ है, और हम सबको भी उसके साथ साथ इवॉल्व होना है। जहां तक बात रही हमारी टीम इंडिया की, अगला वर्ल्ड कप इंडिया में है। होपफुली कि हम टीम में बहुत सारा एग्रेशन और बहुत सारे चेंजेस देखेंगे और अगले वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे पास ही आएगी। आप सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट अपने दोस्त अनुज के साथ, और अपना कोई भी विचार या आपको कोई भी मैसेज भेजना हो तो उसके लिए हम हैं ना सरकार, आप बिल्कुल हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8879387591। तो इस नंबर पर रहेगा मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार। सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट अपने दोस्त अनुज के साथ।